हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सोचो नारों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 27 दिसंबर है और आज की कुछ खास खबरें जो सऊदी अरब की हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। जद्दा के इलाके में एक इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा ढह गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे शहरी दिफा ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर इब्तदाई जानकारी जारी करके मलबे के नीचे कुछ अफराद की मौजूदगी का अंदेशा जाहिर किया था, लेकिन बाद में वाजे कर दिया गया कि मलबे के नीचे कोई शख्स नहीं, मुआयना करने वाली मशीन से पता कर लिया गया था। आभा बलदिया की टीमों ने हिफ्जान सेहत की वसूलों की खिलाफ वर्जी पर 6 तजारती इदारों को बंद कर दिया, जबकि 16 गैर मुल्की कारकुनान पर जुर्माने आयद किए गए। बलदिया के तर्जुमान का कहना है कि जाजान और असीर रीजन की बलदिया टीमों ने कई मार्केटों का दौरा किया ताकि खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को सजा दी जाए। टीमों ने अलग अलग दुकानों से 18 किलो गैर मियारी खाने पीने के सामान जब्त करते हुए 6 दुकानों को बंद कर दिया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि जिन दुकानों को बंद किया गया वहां सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता था, जबकि कई कारकुन के कार्ड भी एक्सपायर हो चुके थे जिस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। जद्दा यहाँ पुलिस हुक्काम ने बताया है कि मुकामी शहरी के घर से इथोपिया की घरेलू मुलाजिमा की लाश मिली है, एक और मुलाजिमा जख्मी हालत में पाई गई है जिसे हिलाल अहमर के मदद से अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुकामी शहरी ने पुलिस स्टेशन से रब्ता करके बताया है कि इसकी मुलाजिमा बंगले की सीढ़ी पर मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, इसके सर और सीने में जख्मों के निशान भी नज़र आ रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और बंगले की तलाशी ली, जहां फर्श पर एक और इथोपिया मुलाजिमा जख्मी हालत में पाई गई, उसके सीने में जबरदस्त जख्म नज़र आया, बराबर में ही धारदार आला पड़ा हुआ था जिस पर खून के निशान थे। हिलाल अहमर ने इसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया। पुलिस ने वारदात की हकीकत हाल पता करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मक्का मुकरमा रोड सिक्योरिटी फोर्स ने 2 सऊदी शहरियों के कब्जे से 1300 से ज़्यादा नशावर गोलियां बरामद कर ली। इंसदाद मंसियात के अहलकार इन दोनों से नशावर गोलियों की तरफ से पूछताछ कर रहे हैं। पता चला है कि मक्का रोड सिक्योरिटी फोर्स के मातहत अल साहिल रोड पर एक गश्ते को कार में सवार मुकामी शहरी पर शक हो गया था। गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें से एक थैली बरामद हुई जिसमें 400 से ज़्यादा नशावर गोलियाँ रखी हुई थी। सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ अलकर सिक्योरिटी फोर्स के गश्ते ने एक सऊदी शहरी की गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी की तलाशी पर एक थैली बरामद हुई जिसमें 900 से ज़्यादा नशावर गोलियां रखी हुई थी। उस सऊदी शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी के नामालूम कातिल की तलाश जारी है। मरने वाले पर तेजाब फेंक कर तेज धारदार आले से कत्ल किया गया। सबक न्यूज ने पुलिस के तर्जमान के हवाले से लिखा है कि हमें यह जानकारी मिली कि अफीब कमिश्नरी से 10 किलोमीटर दूर एक गाड़ी से पाकिस्तानी की लाश बरामद हुई है जिसे इंतहाई सफाई से कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले पर तेजाब फेंक कर उसे बेबस किया गया, बाद में तेज धारदार आले से उसके सर पर वार करके उसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस लाश अपने तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने रियाद के खसूसी अहलकारों से मदद भी हासिल की है जो इन केसों को हल करने में महारत रखते हैं। महकमे इंसदाद मंसियात ने बच्चों के स्कूल बैग से 21,000 नशावर गोलियां बरामद कर ली। महकमे ने ट्विटर के अपने अकाउंट में जानकारी दी है कि स्मगलरों ने नशावर गोलियों की स्मगलिंग के लिए स्कूल के बच्चों के बैग इस्तेमाल किए जिसकी जानकारी मिली थी। फौरी कार्रवाई करके स्कूल बैगों से 21,000 नशावर गोलियाँ बरामद कर ली गई। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गैर मुल्की खातून जद्दा की एक रिहायशी मरकज में लाइसेंस हासिल किए बगैर गैर कानूनी तरीके से क्लिनिक खोले हुए थी और वो इसमें दांतों का इलाज कर रही थी। वज़ारत सेहत ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से गैर कानूनी क्लिनिक बंद करा दिया। बिना इजाज़त खोलने और इसमें मरीजों का इलाज करने वाली गैर मुल्की खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। दम्माम रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ऐलान किया है कि ड्राइविंग के दौरान हाथों से मोबाइल का इस्तेमाल करना और हिफाजती बेल्ट न लगाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी हैं। अल सरकिया में ऑटोमेटिक
सिस्टम के जरिए दोनों खिलाफ वर्जियों का इंदराज शुरू कर दिया गया। इदारे ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर जानकारी दी है कि अलसरकिया में जो लोग ड्राइविंग के दौरान हिफाजती बेल्ट नहीं लगाएंगे या मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए पकड़ लिया जाएगा। अलसरकिया में इस पर अमल शुरू कर दिया गया। सऊदी कौमी एयरलाइंस नास ने 2018 के आखिर पर 5 रोज रियायती पैकेज का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विदेशी मुल्क सफ़र की टिकट की कीमतों में रिकॉर्ड शक्ल में कमी कर दी गई। सफ़र 1 फरवरी से 15 अप्रैल तक किया जा सकेगा। यह रियायत टूरिस्ट दर्जे की जहाज़ों के लिए शुरू की गई है। 1 लाख से ज़्यादा रियायती सीटें होंगी। बुकिंग ऑनलाइन या स्मार्टफोन के जरिए नास एप्लीकेशन या 24 घंटे 9200012334 के जरिए कराई जा सकेगी। दाखिली टिकट की इब्तदाई कीमत 49 रियाल रखी गई है। दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ खास खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को भी ज़रूर इनेबल कर देना, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहेगी, जिससे आप दोस्त मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।